हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल। आवर टैग लाइन इज वीर भोगे वसुंधरा, मींस दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस, दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट इन देयर लाइफ। ओके, सो अभी हम लोग रीजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन इलेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये है पीपल्स एक्ट 1951 में, ये अभी राहुल गांधी जी के केस में हुआ है जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो हम जानेंगे ये है क्या। ओके, ये आप देख सकते हो क्यों किस वजह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है ओके पर्सन को। ये जो है सेक्शन 8 का है, ठीक है, ये सेक्शन 8 है, हम आपको ये पूरा सेक्शन 8 का बता रहे हैं जिसके तहत किया गया है राहुल गांधी जी को, अभी उसको भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल ओके प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप रिलीजन से आप करो रेस प्लेस ऑफ बर्थ ओके रेसिडेंट लैंग्वेज ओके एंड प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हारमोनी। अगर आप ये सब करोगे तो क्या होगा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ओके मीन्स आप झगड़ा लगवाना या डिफरेंट ग्रुप में ओके यहाँ पे ऑफेंस ऑफ ब्रीवरी अगर ब्रीव लेते समय आपके ऊपर, जैसे ये सब केस में आप कन्विक्ट हो जाते हो तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो जैसे आप भी ब्रीव में कन्विक्ट हो जाते हो ब्रीवरी केस में तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। और जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड पर्सोनेशन इन एन इलेक्शन ओके ये भी करते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। ऑफेंस अगर रिलेटेड टू रेप है इसमें भी कन्विक्टेड हो जाते हो तो भी डिस्क्वालीफाई हो। जैसे ऑफेंस ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड अ वोमेन बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ओके तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। ऑफेंस ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी हेट्रेड इल विल बिटवीन द क्लासेस ओके अगर आप दुश्मनी करवाते या गलत बात बोलते हो या आप जानबूझ के ऐसा करवा रहे हो बैड इंटेंशन कर सकते हो तो भी ऑफेंस रिलेटिंग टू सच स्टेटमेंट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एंड सेरेमनीज अगर वहां पे भी जाके ऐसा करते हो तो भी हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 ये SC ST एक्ट है ओके जो बाद में जाके CST एक्ट कर दिया गया ओके। इसमें क्या है, आप प्रीच करोगे ओके पनिशमेंट फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ओके एंड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग देयर ऑन। आप आर्टिकल 17 जानते ही होगे जिसमें क्लियरली एबॉलिश्ड कर दिया गया है अनटचेबिलिटी, सो इसको किसी प्रकार से कर रहे हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो ओके। ऑफेंस ऑफ इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड ओके मतलब ऐसा चीज गुड्स जो इंडिया में अलाउ नहीं है ना आप उसको बाहर ले जा सकते हो ना इंडिया में ला सकते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ये किसके, कस्टम एक्ट 1962 के अंदर ओके। ये सब आपको याद नहीं करना है, बस आपको ऐसे जानते रहना है। ऑफेंस ऑफ बींग द मेम्बर ऑफ एसोसिएशन अनडिक्लेयर्ड अनलॉफुल ओके जैसे सरकार गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल दिया ये अनलॉफुल है, उसके बाद भी आप उस मेंबर हो या उसमें कुछ काम कर रहे हो या उसमें कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड 1973 से रिलेटेड भी हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो, या नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1985 इस ड्रग और एक्टिविटी में हो तो भी, जैसे ये सब कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड हो जाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैसे आप टेररिस्ट एक्ट करते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज ओके तो भी। उसके अलावा रिलीजियस मिसयूज करते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मिसयूज करोगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ओके। ऑफेंस ऑफ प्रमोटिंग द क्लासेस बिटवीन क्लासेस इन द कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ तो भी आप हो जाओगे। एन ऑफेंस रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर पोलिंग और
बूथ कैप्चरिंग, ये चीज़ें अभी तो नहीं हो रही है बट ये पहले हुआ करता था, तो उसकी वजह से अगर जैसे ये सब कर ले रहे हैं तो भी, या फ्रॉडेंटली डिस्ट्रॉय द एनी नॉमिनेशन पेपर तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऑफेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्सी एक्ट 1991, ओके। ये इसके अंदर भी अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। ये एक्ट वही है जिससे थ्रू, जैसे कि 1947 से पहले जो स्ट्रक्चर था, जैसे टेम्पल हो, मॉस्को, जो भी जिस फॉर्म में था तो उसी फॉर्म में रहेगा, उसमें चेंज नहीं किया जाएगा। उसमें सिर्फ एक्सेप्शन जो था, उसमें एक्सेप्शन जो था वो अयोध्या टेम्पल था, ओके, जो अभी बन रहा है। और जैसे आप इंसल्ट करोगे नेशनल फ्लैग का या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जैसे कहीं आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे या कुछ भी करोगे, वो जिस किसी प्रकार से इंसल्ट होगा तो आपको, या ऑफेंस, आप किसी को नेशनल एंथम गाने से रोकोगे, प्रिवेंट करोगे, प्रिवेंट सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ओके। ये नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत, ओके। कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, इसके थ्रू भी हो जाओगे तो भी आप, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू भी हो जाओगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1992, तो भी डिस्क्वालीफाई। इसमें क्या लिखा है, इन सब चीजों किसी में भी आप कन्विक्टेड हो तो, जितना अभी तक मैंने बताया, ओके, शैल बी डिस्क्वालीफाई वेयर द कन्विक्टेड पर्सन इज सेंटेंस टू। अगर आप सिर्फ जैसे फाइन ही आपने दिया है, ओके, तो जिस दिन से आपका कन्विक्शन हुआ है, फ्रॉम दैट डे, तो 6 साल तक, पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, ओके, तो आपको कम से कम 6 साल तक आप इलेक्शन ऑप्शन नहीं लड़ सकते, ओके। और दूसरे केस में, जैसे इसमें तो फाइन है, दूसरे केस में क्या हो सकता है, आपको जेल हो जाए, इम्प्रिजनमेंट, जैसे अभी राहुल गांधी जी के केस में हुआ है, उनको 2 साल का हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जैसे फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन शैल कंटिन्यू डिस्क्वालीफाइड फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर सिंस हिज रिलीज। तो इसमें क्या है कि आप जो एक बार जैसे जेल चले गए, तो आप जितने जब तक जेल में रहोगे, उसके निकलने के बाद, जैसे आपका, जैसे आप रिलीज हो गए वहां से, उसके बाद से 6 साल तक आप इलेक्शन में नहीं आ सकते, ओके। और यहाँ पे पर्सन कन्विक्टेड ऑफ कंट्रावेंशन टू लॉ, जैसे आप होल्डिंग के लिए, होल्डिंग क्या होता है, जैसे सरकार ने लिमिट बना रखा है कि कोई 5,000 टन ही कोई सामान आप रख सकते हो। अगर सरकार ने उसको रूल में चेंज कर दिया, अगर 2,500 रख सकते हो तो आपको उससे ज़्यादा नहीं रखना है, तो ऐसा अगर रखोगे उस केस में भी अगर आप फंसते हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैसे एडल्टरेशन ऑफ फूड, जैसे मिलावटे फूड में, अगर मिलावटी या ड्रग्स में मिलावटी जो दवाइयाँ होती हैं, सो इसमें भी अगर आप इसमें भी अगर होते हो तो भी डिस्क्वालीफाई। या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के में भी कन्विक्टेड होते हो तो भी आपका डिस्क्वालीफाई हो। ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस और सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 ईयर, ओके, नॉट लेस देन 2 ईयर, शैल बी डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू डिस्क्वालीफाई फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर सिंस इज रिलीज, ओके। कर है किसी को अगर 2 साल से ज्यादा का सजा हो गया है, ओके, किसी भी केस में, सो वो तो अपना सजा कंप्लीट करने के बाद वो डिस्क्वालीफाई रहेगा फर्दर 6 ईयर, ओके, आफ्टर कंप्लीट, ओके। ये लिली थॉमस का एक्चुअली पहले क्या होता था कि ये नॉर्मल केसों में तो हो जाता, बट जो पहले से एमपी हैं, पहले से एसी असेंबली में है, तो उनके लिए क्या था कि उनको 3 महीने का टाइम दिया जाता था, और उसको कहा जाता था तो कुछ सारे जुडिशियल रेमेडी जो हैं उसको फॉलो करें। तो जैसे वो लोअर कोर्ट में, अब उनको जजमेंट आ गया तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से उनको जजमेंट आ गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उनके पास तब तक उनका सीट रहेगा। बट ये जो ली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में आया, उन्होंने ये अनफेयर एडवांटेज को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा द डे कन्विक्शन होगा उसी दिन ही इनका सदस्यता, मेंबरशिप जो है, एक्सपायर हो जाएगा।